आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे कि टांग के किस अलग तरीके से भी लिए जाते हैं। तो इस मरीज के सिर में लगी है, हमें एक साफ कटा घाव दिख रहा है और ये मरीज गरीब है और वह टांग के नहीं लगवाना चाहता। ऐसे समय में डॉक्टर ये सोचते हैं कि त्वचा को एक साथ लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कभी कभी हम एक खास गोंद लगाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह आवश्यक गोंद यानी ग्लू इतनी महंगी क्यों है। इस मरीज के थोड़े बड़े बाल हैं, तो इसलिए मैं त्वचा के किनारों वाले बालों में गांठ लगाने जा रहा हूं। हमें इसके लिए बस बड़े बाल चाहिए। हमें इस तकनीक को उपयोग करने इतने बड़े बाल मिल गए। मैं पहली गांठ लगा रहा हूं। यह बाल वाकई बड़े हैं, आप देख सकते हैं। जैसे ही हम गांठ लगाते हैं त्वचा एक साथ आ जाती है, जिससे तेजी से जख्म भरना शुरू हो जाता है। पर इस चीज को साफ तरीके से ही करना चाहिए। आप देखो, मैं बालों में गांठ बना रहा हूं और बाल स्वच्छ होने चाहिए। इस प्रक्रिया में किए गए सभी काम असेप्टिक प्रक्रियाओं से किए जाते हैं। अच्छा, मैंने यह गांठ बनाई है जैसे पहला टाका, यानी बालों से पहला टाका। दूसरी गांठ के लिए इस तरह बालों का गुच्छा लें। याद रखें, हम त्वचा को पास ला सकें और घाव बंद हो सके, यही हमारा ध्येय है। ये याद रखें, दिखाई गई तकनीक मात्र ऐसे मरीजों के लिए है जिन्हें टाकों से डर लगता है, या घाव छोटा हो, या डॉक्टर तक पहुंचने में अधिक समय बीत रहा हो, या जहां चिकित्सा सुविधाएं नहीं हों, या आपातकालीन स्थिति में। महिलाओं के बालों पर इसे आसानी से लागू किया जा सकता है। इस आपातकालीन तकनीक से भारी रक्तस्राव रोका जा सकता है। फिर जरा याद दिला दूं, ये साधारण तौर पर हमारे द्वारा लिए जाने वाले टांके का विकल्प नहीं है। हमें इसे केवल आपात स्थितियों में इस्तेमाल करना चाहिए और यह वीडियो शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। अधिकांश महिलाएं को यदि किसी की माथे पर चोट लगी है, फिर भी उसे दबाने के बाद भी रक्तस्राव नहीं रुक रहा है, तो सीधे बाल लें दोनों ओर से और लंबे बालों में पकड़े और उस स्थान पर कठोर गांठ बांधें। रक्त रुकने और 4-5 दिनों में जख्म भरने के बाद आपको महसूस होगा कि यह भी ठीक हो सकता है। हम त्वचा को मिलाकर जख्म को ठीक करते हैं, साथ ही सेफ्टी के लिए बाल को साफ भी करते हैं। आज भी गरीब मरीज टांके नहीं लगवा पाते। डरे हुए मरीजों और इमरजेंसी के मामलों में जहां सुविधाएं नहीं होती, वहां इस तकनीक का उपयोग करना चाहिए। बहुत कम लोग इसे जानते हैं। अगर बाल सिल्की हैं तो टांके आपस में नहीं जुड़ते और खुल जाते हैं, इसलिए जख्म को ड्रेसिंग के पट्टी के टुकड़ों से ड्रेसिंग पैक बांधना होगा। रेशमी बालों के कारण ये गांठें बार बार खुल रही हैं, इसलिए मैं इसे उपकरणों की सहायता से कस रहा हूँ। यह वीडियो शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है, इसमें कोई हिंसात्मक दृश्य नहीं है। मेरा एक पिछला वीडियो हिंसात्मक दृश्य के कारण हटा दिया गया था, क्योंकि यूट्यूब दर्शकों ने सोचा था कि यह शैक्षणिक उद्देश्य से नहीं बनाया गया था। ये यूट्यूब वाले भी सभी वीडियो सुनते हैं भाई, ये लोगों को डराने या खून दिखाने के लिए नहीं बनाए गए हैं भाई, बल्कि इनका उद्देश्य है कि कैसे आपातकालीन स्थितियों में किसी को मदद करने की सोचें। घावों को कैसे ठीक करना चाहिए, आपातकालीन सामाजिक मदद करने वाली संगठनाओं ने क्या करना चाहिए, सामान्य लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। इन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बन रहे हैं और यहाँ प्रकाशित किए जा रहे हैं ये वीडियो हमेशा। यह सब सिखाने और सही जगह उपयोग करने के लिए बने हैं। कई लोग घावों को बार बार खोल कर देखते हैं, लेकिन बार बार देखने से खून ठहरेगा नहीं भाई, इसलिए आप घाव को साफ रुई या हल्दी लगाकर दबाएं। इस रोगी का घाव बहुत गहरा नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा था, इसीलिए गांठ कसकर बांधी है और गांठ के ऊपर दबाव लगाने के लिए साफ उपकरण का भी प्रयोग किया और उसके ऊपर और 2-3 पक्की गांठें बांध दी और घाव प्रेशर से बंद कर दिया है। ये तकनीक मैं मेरी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, ये किसी मेडिकल बुक में मैंने ये पढ़ी थी। वो बुक कौन सी है मेडिकल स्टूडेंट, मुझे कमेंट में बताएं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि त्वचा पास आ चुकी है और 3 दिनों बाद का हाल इस वीडियो के अंत में दिखेगा। तो मित्रों, वीडियो आपको आखिर तक देखना है। इस हेल्थ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके डॉक्टर जय इस तकनीक पर अपने कीमती विचार भी कमेंट करें, और आप स्वतंत्र हैं जैसे स्वास्थ्य सलाह मांगने के लिए कमेंट अनुभाग में। तो जुड़े रहिए और स्वस्थ जीवन जिए। आखिर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यह देखिए, 3 दिनों बाद इस गरीब लड़के का घाव बहुत कम खर्चे में कैसे अच्छे से ठीक हो गया है।